जावेद अहमद डार इस समय शपथ ले रहे हैं। हम चाहेंगे अशरफ, अगर उनके बारे में आप दर्शकों को जानकारी दे सके। विदाउट फियर और फेवर बिल्कुल, अगर जावेद अहमद डार की बात करें, ये कभी मंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन इनकी जीत काफ़ी महत्वपूर्ण है। युवा थोड़े से हैं बाकी नेताओं के मुकाबले में। जैसे आपने शुरू में कहा था कि 16 साल बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में लौट रही है जम्मू कश्मीर में, उसमें बहुत कुछ जम्मू कश्मीर में बदला। और जावेद अहमद डार ने भी अपने विधानसभा सीट से जीत कर ये साबित कर दिया कि वो उनका जो कैंडिडेचर है वो लोगों को पसंद आया, वरना उनको काफ़ी कड़ी टक्कर थी अपनी विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन उसके बावजूद भी जिस अंदाज से लोगों ने, खासतौर से मतदाताओं ने उन पर भरोसा जताया, उनको जीत दिलाई, उसी की कदर करते हुए उनको भी जो है उमर अब्दुल्ला की इस कैबिनेट में जो है जगह मिल रही है। अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व देखिए, अब इसमें राफियाबाद से ये विधायक हैं, बारामूला का पूरा क्षेत्र आता है, यहां से प्रतिनिधित्व भी जरूरी हो जाता है क्योंकि बारामूला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी पड़ने वाली ये सीट हो जाती है। अब सतीश शर्मा शपथ ले रहे हैं अशरफ। बिल्कुल, जैसे आपने हमने शुरू से कहा था श्वेता कि जम्मू को पूरी तरह से जो है पूरा रिप्रेजेंटेशन जो है इस नई कैबिनेट में मिल रहा है। दो जो है दो विधायक जम्मू से इस नए कैबिनेट में यानी मिनिस्टेरियल पोस्ट्स का हिस्सा है, तो जाहिर है कि जम्मू के लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश कि भले ही ना ही कांग्रेस ने वहाँ पर ज़्यादा सीटें जीती हो, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज़्यादा सीटें जीती हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी जम्मू से जीत के आए हैं और इस सरकार का भाग बन रहे हैं, उनको पूरी तरह से वो मौका दिया जा रहा है कि वो जम्मू के लोगों की समस्या को जो है नई सरकार में उठाए, नई सरकार में उनका समाधान ढूंढे और नई सरकार तक वो समस्याएं वहां पर लोगों की, क्योंकि अगर हम किसी भी विधायक की बात करें, मंत्री की बात करें, वो किसी राजनीतिक दल के साथ साथ कई सारे लोगों को या अपने पूरे क्षेत्र को जो है किसी सरकार में रिप्रेजेंट करता है, उसको ज़्यादा मालूम होता है लोगों की दिक्कतें क्या है, लोगों की आशाएँ क्या है, उनकी उम्मीदें क्या है, उन पर खड़ी उतरे। तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से ये कोशिश है उमर अब्दुल्ला की तरफ से कि जम्मू में खासतौर से जो डोगरा कबीला है या जो डोगरा समुदाय के लोग हैं, उनको भी ये एहसास हो कि उनको भी जम्मू कश्मीर की नई सरकार में पूरी रिप्रेजेंटेशन है, उनकी बात को सुना जाएगा और उनकी बात और उनकी मांगों को किस तरह से सरकार तक पहुंचा कर उनका इजाला ढूंढा जाए, उनको हल किया जाए, उसके लिए जो है सतीश शर्मा को जो है उनको नए कैबिनेट में कैबिनेट में शामिल किया गया है और जगह दी गई। छंब से ये जीत कर आए हैं, छंब का हिस्सा भी देखिए, ये पूरा सरहद से लगता हुआ हिस्सा हो जाता है, तो यहाँ पर भी एक निर्दलीय के तौर पर वो चुनाव इस बार लड़े थे और आज तक पर हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से इस बार उमर अब्दुल्ला, चूंकि उनको निर्दलीय भी समर्थन दे रहे हैं और जम्मू के क्षेत्र की जब बात आ जाती है तो आप वहां पर एक तो मेंढर का आपने प्रतिनिधित्व देखा, दूसरा आपने छंब का यहां पर प्रतिनिधित्व देखा, तो कई ऐसे लोग हुए इसमें जो नाराज होकर पार्टियां छोड़ी, निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े, लेकिन अपना एक कुछ समय से किया हुआ काम और उस कारण कुछ छवि रही जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में वोट इन्होंने हासिल किए हैं सतीश शर्मा ने, और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का हिस्सा, इंडिया गठबंधन की सरकार का हिस्सा, उमर अब्दुल्ला सरकार का हिस्सा बनकर वो यहाँ पर अपना कार्यकाल जो है वो संभालने वाले हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले हैं। विभागों का बंटवारा आगे होगा और इसके साथ ही अशरफ प्रमुख जो विभाग हैं वो उमर अब्दुल्ला मुमकिन है कि जो अभी अपने जो बाकी की सीटें हैं, और ये देखिए सीधी तस्वीरें जो आ रही हैं इस समय SKICC के मंच से, जहां पर सभी शपथ ग्रहण के बाद जितने भी नए कैबिनेट मंत्री बने हैं वो सब LG के साथ मंच पर इस समय तस्वीरें खिंचवाते हुए आपको दिख जाएंगे। और एक छोटा सा मंत्रिमंडल अशरफ, लेकिन इस मंत्रिमंडल के जरिए कोशिश कि पूरा प्रतिनिधित्व, पूरा रिप्रेजेंटेशन हर एक हिस्से को हो, लेकिन इस सरकार के लिए भी ये पहली बार होगा जो पिछला अनुभव है वो काम नहीं आएगा, एक नए अनुभव बनाने की शुरुआत यहां से करनी होगी। और जिन चीजों का जिक्र आप भी कर रहे हैं ना अशरफ, कि देश के बाकी हिस्सों की तरह
रोजगार यहाँ भी एक बड़ा मुद्दा है, बिजली पानी यहाँ भी एक बड़ा मुद्दा है, जम्मू और कश्मीर के बीच रिसोर्सेज का बंटवारा और इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर डेवलप हो उसका बंटवारा भी एक बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल श्वेता, ये बहुत बड़ी चुनौती है उमर अब्दुल्ला के सामने और उनको पूरी तरह से इस बात का एहसास है और यही कारण है कि पिछले कई दिनों के दौरान लोगों से विचार विमर्श करके, नेताओं से विचार विमर्श करके उन्होंने ये फैसला लिया कि एक छोटी सी कैबिनेट जो है वो फिलहाल वो बनाएंगे। और महत्वपूर्ण बात जो जानकारी हम आज तक के दर्शकों को यहाँ से देंगे कि अभी कुछ देर बाद अपने इंडिया गठबंधन के नेताओं को स्वागत और उनके साथ विचार विमर्श के बाद आज ही दोपहर के बाद 3 बजे जम्मू कश्मीर के सचिवालय श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं जिसमें ये नए मिनिस्टर जिन्होंने शपथ ली है वो भी उनके साथ रहेंगे और जितने भी विभाग हैं जम्मू कश्मीर सरकार के उनके जो सचिव हैं वो उस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी के सहित जो हैं उसमें भाग लेंगे और वहीं पर डे वन से जो हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो हैं अब जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने वादे किए हैं, जो उनको उम्मीदें हैं कि वो काम करने के लिए जो हैं वो प्रयास जो हैं आज यानी पहले दिन ही सरकार के बनने के साथ शुरू करने जा रहे हैं। ये एक संदेश देने की कोशिश है उमर अब्दुल्ला की तरफ से। देखिए, मैंने अभी जो है मुख्यमंत्री का पद संभाला और अभी से मैं जम्मू कश्मीर में बेहतरी के लिए या सरकार के काम के लिए जो है जुट गया हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण संकेत देने की कोशिश है, वरना अगर हम देखें तो दिन भर यहाँ पर राहुल गांधी भी हैं, खड़गे भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं, बाकी जितने भी देश के राजनीतिक दल हैं, इंडिया ब्लॉक के हिस्से हैं, उनके नेता हैं, उनको थोड़ा सा 1-2 घंटे का समय देकर उमर अब्दुल्ला सीधे तौर पर जो हैं सरकार के काम काज में जुटने जा रहे हैं, सचिवालय पहुंच रहे हैं श्रीनगर के और 3 बजे ये उच्च स्तरीय बैठक जो है वहां पर जो है मीटिंग ले रहे हैं सभी सचिवों के, चीफ सेक्रेटरी के, जितने भी विभाग हैं उनके। तो कहीं ना कहीं दिशा जो है आज ही वो तय करना चाहते हैं, काम को लेकर, जम्मू कश्मीर में विकास को लेकर, और उसमें सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर जितने भी क्षेत्र हैं और वो साफ जल का, जैसे आपने हम सुबह से ही ये कह रहे थे, कल शाम से ही कह रहे थे कि सबसे बड़ी जो मजबूरी यहाँ पर उमर अब्दुल्ला की है कि वो किस तरह से जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों का ख्याल रखेंगे और फिर अपने कैबिनेट को बनाएंगे। और वो अभी शपथ ग्रहण समारोह के बाद साफ तौर से सामने आया, जम्मू के जहाँ पर 2 मिनिस्टर्स हैं, कश्मीर के 2 मिनिस्टर्स हैं, 3 मिनिस्टर्स हैं, वो आबादी के लिहाज से ही वही गणतंत्र जो बैठता है। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला खुद श्रीनगर या सेंट्रल कश्मीर से किसी भी मंत्री को नहीं लेते हुए खुद सेंट्रल कश्मीर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इस नई कैबिनेट में बतौर मुख्यमंत्री। तो जाहिर है कि आने वाली चुनौतियां जो है उनसे मुकाबला कैसे किया जाए उसी पर जो है उमर अब्दुल्ला का जोर होगा। वो कितना कामयाब होते हैं वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन के सभी जो घटक दल हैं उनकी तरफ से और साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी उनको आश्वासन मिला है केंद्र सरकार की तरफ से कि वो अगर बेहतर तरीके से जम्मू कश्मीर सरकार चलाते हैं तो केंद्र सरकार का उनको पूरी तरह से सहयोग मिलेगा।